Hello dear students and welcome to English class. I hope that you all are fine and taking good care of yourself. Today we are going to solve the exercise of chapter 2 as we have already completed the reading and explanation part of chapter 2. So before starting the question answers and exercise, let's recall the chapter once. So students, this chapter is about two animals, Carmilla and Gargi. Carmilla is the name of a camel and Gargi is the name of a goat. So in this story, Carmilla is very proud of her height, and for this she always underestimate Gargi the goat. So वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है. So tall होना ज़्यादा better है या short होना, ये decide करने के लिए वो दोनों एक कंपटीशन फाइट करने का डिसाइड करते हैं. एट द एंड ऑफ द कंपटीशन गार्गी इज़ डिक्लेयर्ड एज द विनर, और कार्मिला को ये रियलाइज़ होता है कि उसे अपनी हाइट पर या अपनी जो भी काम वो कर सकती है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस स्टोरी वी ऑल्सो गेट लेसन दैट वी आर गुड एज वी आर एंड वी should not underestimate others as well as ourselves. Okay, so now let's start the reading of question answers. Answer the following. What happened at the banana plantation? Banana plantation mein kya hua? Means us field mein kya hua? At the banana plantation, when Carmilla and Gargi was eating bananas, the owner of the field saw Carmilla and he started running after her to drive her away from the field. So banana plantation में जब गार्गी और कार्मिला ने bananas खाने शुरू किए, तो तभी अचानक वहाँ का जो owner है उसने कार्मिला को देख लिया, क्योंकि कार्मिला की height बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कार्मिला उसे देख गई और वो उसके पीछे भागना शुरू हो गया ताकि वो कार्मिला को अपनी फील्ड से निकाल सके. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूएबल लेसन डिड कार्मिला लर्न? कार्मिला ने क्या सीखा? कार्मिला लर्न दैट शी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हर हाइट. उसे ये रियलाइज हुआ, उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपनी हाइट पर और घमंड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिल रही है? वी लर्न दैट वी आर फाइन एज वी आर एंड गुड एट व्हाट वी डू. सो हमने ये सीखा कि हम जैसे भी हैं हम सही हैं, और हम जितना अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं उतना सही है. वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट आवर सेल्व एज वेल एज अदर्स. ओके, सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन आंसर्स. ये तीनों आपको नोटबुक में लिखने हैं. नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज, पेज नंबर 12. सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. आई हैव ऑलरेडी रेड द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द सेम एज दीज. यहाँ कुछ हमें सेंटेंसेस या वर्ड्स दे रखे हैं, तो उनके मीनिंग्स, उनके एग्जैक्ट वन वर्ड हमें चैप्टर में से ढूंढना है. ओके, नॉट सॉफ्ट और ईजी टू च्यू. जो सॉफ्ट नहीं होता है और आसानी से चबाया नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ टफ. ओके, इट इज़ टफ एंड इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6, TOUGH, टफ. नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन को और क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉन्टेस्ट. ओके, CONTEST, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 7. नेक्स्ट वन, स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मीन्स ख़राब करना, तो दैट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ डैमेज्ड. सो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 10. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 13, टेक द वर्ड्स एंड द फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब्स द गोट. सो हियर सम वर्ड्स आर गिवन, और इन वर्ड्स में से आपको उन वर्ड्स को या तो आप सर्कल कीजिए या आप टिक कीजिए. ओके, सो जो वर्ड्स गोट को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसमें जो क्वालिटीज़ थी. फर्स्ट वन, शी वॉज काइंड. ओके, नेक्स्ट, विलिंग टू लर्न. ओके, वो सीखने की, मतलब वो हमेशा उसमें सीखने की, कुछ नया सीखने की इच्छा रहती थी. हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंट एंड सेंसिबल.
But she was not silly, she was not arrogant, she was not selfish and she was not proud. ये सारी qualities किसकी हैं? These qualities relate to camel, okay, Carmilla. और बाकी की जो qualities हैं वो जो goat है उसको relate करती हैं, okay? So students, these are the answers of all the questions. Question answers जो हैं वो आपको notebook में करने हैं और बाकी ये जो questions हैं ये आपको book में ही solve करने हैं. That's all from my side. Thank you and have a nice day.